गुड मॉर्निंग फ्रेंड, विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर एंड डॉक्टर्स। ये साल आपके लिए हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, और यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम साल के पहले दिन दो बच्चों के केस शेयर करेंगे। दोनों ही बच्चे बड़े अपोजिट हैं और बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं। जो हमारे बिगनर हैं, जो लर्नर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस केस में देखें कि किस प्रकार सिर्फ माँ के कहने पर भी मेडिसिन दी जा सकती है। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन और हमारी रिपीटेड एक्सपोजर अगर ऐसा रहा और ऐसा हमने देखा, तो हम मेडिसिन, करेक्ट मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला केस है 2 साल के एक बच्चे का, जिसकी मदर ने मुझे कॉल किया और कॉल पर ही, फ़ोन करके ही मुझसे उन्होंने कंसल्ट किया कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को तकरीबन 5 से 7 दिन से फीवर आ रहा है। हमने इसकी रिपोर्ट भी करवाई है, इसमें इनको बच्चे को वायरल फीवर बताया है उन्होंने, और पीडियाट्रिक ने मेडिसिन वगैरह दी है। बाकी फीवर 4-8 घंटे रहता है, वापस आ जाता है। तो मैंने पूछा कि तकलीफ़ क्या है बच्चे को, अगर फीवर होता है तब क्या करता है, फीवर नहीं होता तब क्या करता है। मैंने फीवर नहीं रहता जब तक, तो दिन भर खेलते रहता है ये, और जब फीवर चढ़ता है तो ये सो जाता है, हमें कुछ नहीं बोलता। हमें तो तब पता चलता है कि कमरे में सोया मतलब उसको फीवर आ गया है। और ये फीवर जब भी आता है, हल्का फुल्का चढ़ता, जब तक तक खेलता, तेज फीवर होने पर खुद ही जाकर सो जाता है, कुछ कहता नहीं, कुछ मांगता नहीं है और सो जाता है। सिर्फ इतनी सी ही बात मदर ने मुझे बताई, तो हमने इस के आधार पर ही मेडिसिन दी है। इसके अलावा कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा। जब बच्चा फीवर में नहीं है और खेल रहा है, तो एक बेसिक नेचर उसका प्लेफुल है, प्लेफुल नेचर है बच्चे का, कि बुखार नहीं है तो खेल रहा है। तो हमने पहला रूबरिक प्लेफुल लिया। सेकेंड, जब उसको फीवर आता है या चढ़ता है, तो खेलते 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 जब तेज़ फीवर होता है, तो वो खुद ही जाके सो जाता है। वो खुद ही उसकी बीमारी को रिकॉग्नाइज कर लेता है, समझ लेता है कि भाई मुझे बुखार चढ़ रहा है, मुझे सोना है, और किसी से, घर के किसी भी व्यक्ति से उसकी कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं करता। तो सेकेंड रूबरिक है रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग, मूव बट कैन नॉट कैटलेप्सी इन, जिस सेकेंड रूबरिक है कि बच्चा खुद ही अपनी बीमारी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, समझ रहा है और सो रहा है। उसके बाद मदर ने कहा कि वो ना तो कुछ मांग रहा है, कुछ खा रहा है, कोई इच्छा रख रहा है कि हम कुछ खेल, मना कर रहा है। आस्क नथिंग, डिज़ायर नथिंग, कुछ कह नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है, सिर्फ सिंपल सिंपल जो मदर ने कहा, हमने वो 4 रूब्रिक लगाए और मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई कॉकलस, कॉकलस इंडिका 200 वाटर डोज में, 2 बूंद डालकर उसको मैंने कहा कि 4-4 घंटे में दीजिए। शाम तक फ़ोन आया कि फीवर नहीं आया है इसे, आपके डोज के बाद से उसको फीवर नहीं आया है और बच्चा भी खेल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक बच्चा लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तो ये एक छोटा सा केस है बच्चे का। कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं और हम और जाने कौन कौन सी मेडिसिन पे चले जाते हैं। मतलब अगर बच्चे का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो, तो एक ही बार में मेडिसिन अच्छी निकल जाती है। अब जस्ट इसके अपोजिट एक और केस है, जिसमें बच्चा तकरीबन 11 महीने का है और मदर ने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब, बच्चा बहुत चिड़चिड़ बना कर रहा है। मैंने क्या हुआ है? बोले सर्दी खांसी हो रही है, अभी मौसम चेंज हुआ है, उसकी वजह से सर्दी खांसी हुई है और बच्चा दिन रात चिड़चिड़ कर रहा है। बोले हमारी पूरी रात निकल गई है इसको गोद में ले लेके घूमते घूमते, और हमारी आँखें थक गई है, कि रोने, हमारी हालत भी रोने जैसी हो गई कि भाई ना सो पाए हैं ना बैठ पा रहे हैं, बस लेके इसको गोद में पूरी रात घूमते रहे हैं। तो मैंने कि और क्या हो रहा है? बल्कि इसको हल्का हल्का फीवर भी चढ़ता है, जब फीवर चढ़ता है जब ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैंने कि और तो बोले कि इसकी माँ को जब जब ये दूध पी रहा था, उसकी मदर को ये बाइट कर रहा है, निपल को बाइट कर रहा है। मैंने कि ठीक है, मैं मेडिसिन देता हूँ, आप लीजिए और मुझे कल सुबह बताइए। अब यहाँ देखने वाली बात ये कि बच्चा इरिटेबल है, चिड़चिड़ा है। जहाँ हमने कॉकलेस को रिकॉग्नाइज देखा था कि बच्चा खुद ही समझ रहा है, यहाँ बच्चा चिड़चिड़ा है, इरिटेबल है। वहाँ वो बच्चे घर वालों को परेशान नहीं करते हैं, ये बच्चे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये केस आपको यहाँ शेयर करना पड़ रहा है, कि ताकि हम समझ जाएँ कि कौन सा बच्चा कैसा है। अब पूरी रात बच्चे को वो चुप नहीं करा पा रहे हैं, जैसे ही वो नीचे रख रहे हैं बच्चे को, मदर ने कहा कि जब भी हम इसको नीचे रखते हैं, हल्की सी नींद लगती है, नीचे रखते हैं ये वापस होने लग जाता है, हम इसको गोद में नहीं ले सकते, इसको गोद में लेके उसको लेके घूमना ही पड़ता है। तो यहाँ क्वाइटेड कैन नॉट बी क्वाइटेड बींग बाय कैरिड ओनली, ये एक रूब्रिक है कि बच्चे को नीचे नहीं रखना, सिर्फ गोद में ही लेकर घूमते रहो, वो तब तक चुप नहीं होता है। और मदर ने कहा कि ये दूध पीते वक्त शक करते काट रहे थे, ये है बाइटिंग।
हम बाइटिंग को मेटाफोरिकली दूसरे अर्थों में भी ले सकते हैं कि बाइटिंग मतलब कि जो जो सेवा कर रहा है आप उसी को काट रहे हैं। और थर्ड चीज़ घर वालों ने, चौथी चीज़ घर, तीसरी चीज़ घर वालों ने बोला कि ये दिन पूरी रात इसने हमको जगाया है, पूरी रात हम इसको लेकर घूमते रहे हैं। तो ये एक रूबरी के जस्ट नीचे बाइटिंग टम्बलर, बाइटिंग टम्बलर मतलब कि जो आपकी सेवा कर रहा है आप उसी को काट रहे हैं, या जिस चम्मच से आप खाना खा रहे हो उसी चम्मच को आप काट रहे हैं। हम कई बार देखते हैं बच्चे चम्मच को भी काट लेते हैं, जो जिस चम्मच के थ्रू आप सेवा ले रहे हैं उसी को आप काट रहे हैं। तो बाइटिंग टम्बलर मतलब कि जिस जो आपकी सेवा कर रहे हैं आप उसको आप परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। तो यहाँ ये रूब्रिक प्लेन बाइटिंग और बाइटिंग टम्बलर और क्वाइटेड कैन नॉट बी क्वाइटेड बींग बाय कैरिड ऑनली। और जब उसकी मदर ने कहा था फीवर जब आता है तो इसको चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेबल हीट ड्यूरिंग, हमने सिंपल सिंपल ये चार चार रूब्रिक लिए और उसे आर्सेनिक 200 प्रिस्क्राइब की। एक चीज़ और मदर ने मुझे बताई थी, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो मैंने उनको कहा था कि आप स्पीकर ऑन करके अपने बच्चे की आवाज़ सुनाइए। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है कैमोमिला के बच्चे में और आर्सेनिक के बच्चे में, कि जब हम बच्चे को आवाज़ सुनते हैं तो जब उस मदर ने बच्चे की आवाज़ सुनाई तो बच्चा बड़ी सिंपल आवाज़ में इस प्रकार से रो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पूरे दिन बस ये ऐसे ही करता है। अगर इसी जगह अगर बच्चा कैमोमिला लगा होता तो वो जोर जोर से श्रीक करता, श्रीक और रोना, ये पीटर्स कंप्लेनिंग है। ये एक और रूब्रिक जब मैंने इसमें ऐड किया था कि बच्चा पीटर्स कंप्लेनिंग कर रहा है, दयनीय तरीके से अपनी कंप्लेन कर रहा है मदर से, रो रहा है। और पीटर्स कंप्लेनिंग को मैंने यहाँ इस रूब्रिक को ऐड किया कि बच्चा बड़ा दयनीय, क्योंकि कैमोमिला और सीना दोनों बहुत डिफरेंस है। सीना का बच्चा चुप ही नहीं होता है, कैमोमिला का बच्चा गोद में लगे घूमने से सोता है, पर उसका रोना जो होता है वो बहुत गुस्से के साथ होता है, एंगर के साथ में होता है। और आर्सेनिक का बच्चा बड़ा ही धीमी आवाज़ में लगातार रोता रहता है। तो यहाँ वो पीटर्स कंप्लेनिंग करता है, लेमेंटिंग अदर्स। तो हमने ये रूब्रिक एक और एड करके उसे उस बच्चे को आर्सेनिक 200 प्रिस्क्राइब की। आर्सेनिक 200 लेते से ही आधे घंटे में मदर का फोन आया, डॉक्टर साहब इसकी चिड़चिड़ेपन में काफ़ी आराम हो गया है, बच्चा आराम से सोया हुआ है। शाम होते होते हमने उनको हर 4-4 घंटे में रिपीटेशन के लिए डोज दिए थे वाटर डोज में, और शाम होते होते बच्चा काफ़ी आराम से सोया, कोई नींद किसी की डिस्टर्ब नहीं की। और दूसरे दिन बच्चा खेलना कूदना सब शुरू हो गया, उसका खाना पीना सब शुरू हो गया और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी बच्चे को। 1 या 2 दिन में बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है कॉकलियस आर्सेनिक, और जब हम आर्सेनिक और कैमोमिला को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैमोमिला का बच्चा स्नैपीस होता है, चिड़चिड़ेपन करता है, रोता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम नया केस देखेंगे। थैंक यू।